बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट, और आज नूर मुकदम केस के हवाले से जो अपडेट है वो भी आपके सामने शेयर करना है, और जेल में किस अहम शख्सियत ने मुलजमान से मुलाकात की और क्या बातचीत हुई है वो भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा पुलिस ने दो सिक्योरिटी एजेंसीज के बयानात रिकॉर्ड किए हैं, उन्होंने क्या बताया है कि इन्हें असमत आदमजी ने क्या कहा था, और मज़ीद ये कि थेरापी वर्क के जो ज़ख्मी अहलकार अमजद हैं उनका बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया है, वो भी बताऊंगा कि उसने क्या बताया है। तो नूर मुकदम केस आहिस्ता आहिस्ता वैसे ढीला पड़ता जा रहा है, मीडिया सोशल मीडिया से भी गायब होता जा रहा है, अगर आप देखें तो सर्चिंग में भी बहुत कमज़ोर पड़ गया, चूँकि यही हमारी कमज़ोरी है। जिस तरह हमारे दिमागों से कुछ चीज़ ओझल हो जाती है, बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं, बिल्कुल हमारा सोशल मीडिया भी इशू को बहुत जल्द भूल जाता है, इसीलिए लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता। तो मैं आपको बताता हूं कि इस केस की अब ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है कि पुलिस ने एक ट्रिलियम सिक्योरिटी और दूसरी फोनिक्स सिक्योरिटी, इन दोनों के बयानात रिकॉर्ड किए हैं, और उन्होंने ये बताया है कि हमें जो असमत आदम जी ने फ़ोन किए थे वो फ़ोन इसलिए नहीं किए थे कि हम जाकर जो है वो ज़ाहिर जाफ़र को काबू करें और नूर मुकदम को बचाएँ, बल्कि हमें ये फ़ोन किया गया था कि हम फौरी तौर पर जाके लाश को ठिकाने लगाएँ। चूँकि असमत आदम जी को इलम हो चुका था कि उनका बेटा जो है ये कत्ल, बेईमाना कत्ल जो है वो कर चुका है और सर तन से जुदा किया जा चुका है, सारा इलम था असमत आदम जी को। तो हमारा ये जवाब था कि हम सिक्योरिटी फ्राहम करते हैं लेकिन लाशों को ठिकाने लगाने का हमारा धंधा नहीं है। तो ये चूँकि टेलीफोन रिकॉर्ड से ये बात साबित हुई थी कि असमत आदम जी ने इन दो सिक्योरिटी एजेंसियों को फ़ोन किया, उसके अलावा उन्होंने अपने देवर को भी फ़ोन किया था, और फिर मोहतरमा असमत आदम जी जो इस वक्त जेल में हैं, अडियाला जेल में हैं, तो उनकी तरफ से जो कहा गया था कि मैंने हत्तल मकदूर कोशिश की कि उनको, लड़की को, नूर मुकदम को बचाया जा सके, तो उसके वो सारी सूरत हाल सामने आ गई है। और सैनेट की कैमा कमेटी में भी पुलिस की तरफ से ये बता दिया गया है कि 20 अगस्त तक इस मुकदमे का चलान जो है वो पेश कर दिया जाएगा। और आज की जो अहम खबर ये है कि जब से ये मुलजमान बाप बेटा और माँ जेल में गए हैं, वहाँ पे इनकी पहली मुलाकात हुई है लाहौर की एक अहम शख्सियत है, और वो शख्सियत जो है मियाँ अली शफाक साहब हैं, जो एक कारोबारी शख्सियत है। ये पहली मुलाकात है लेकिन ये वीआईपी माहौल में मुलाकात नहीं हुई, अगरचे इनकी तरफ से ये कोशिश की गई थी, रिक्वेस्ट की गई थी कि इनको वीआईपी माहौल में अलग कमरे में मुलाकात करवाई जाए ताकि मशावरत की जा सके, लेकिन जेल हुकाम की तरफ से कहा गया कि जिस तरीके से बाकी लोग मुलाकात करते हैं बिल्कुल आम हवालाती के तौर पर मुलाकात होगी। तो मियाँ अली शफाक जो हैं वो लाहौर से तशरीफ़ लाए थे, लाहौर में उनकी रहायश है, मोहम्मदी लाज चौधरी क्लिफ्टन कॉलोनी लाहौर से वो तशरीफ़ लाए थे, और उनकी मुलाकात जो है वो जंगले के ज़रिए ही करवाई गई, और उन्होंने तीनों मुलजमान का, असमत आदम जी का, जाकिर जाफ़र का और ज़ाहिर जाफ़र का काफ़ी उन्होंने हौसला अफजाई की कि वो मुकदमात की पैरवी कर रहे हैं। ख़ास तौर पर ज़ाकिर जाफ़र और उनकी जो अहलिया असमत आदम जी है उनका ये, उनसे बार बार वो इस्तफसार कर रही थी कि हमारी ज़मानत का क्या हुआ। तो ज़राए का ये कहना है कि मियाँ अली शफाक की तरफ से उनको बताया गया है कि फ़िलहाल अदालतों ने उनकी ज़मानत लेने से इनकार कर दिया, और पुलिस ने जो रिकॉर्ड अदालत में पेश किया उसमें ये साबित होता है कि असमत आदम जी और ज़ाकिर जाफ़र जो हैं वो बजाय नूर मुकदम को बचाने के बल्कि अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे थे, ख़ास तौर पर जो उन्होंने जो दो सिक्योरिटी एजेंसीज़ को फ़ोन किया कि लाश को फौरी तौर पर वहाँ से ठिकाने लगा दिया जाए, और उनकी तरफ से ये इनकार कर दिया गया कि लाश को हम ठिकाने नहीं लगा सकते, अगरचे इस बात का तो अब अल्लाह ही को इलम है कि इन दोनों सिक्योरिटी एजेंसियों ने इनकार किया या उन्होंने हामी भरी कि हम जाते हैं, लेकिन पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि हमने असमत आदम जी को इनकार कर दिया था कि हम लाश ठिकाने का काम नहीं करते। और नाजरीन, जो थेरापी वर्क का जो अहलकार अमजद वहाँ पे सबसे पहले पहुँचा था, जिस पे एक फायर किया था मुलज़म ज़ाकिर जाफ़र ने, लेकिन गोली जो है नहीं चल सकी थी, फिर उसको चाकू का वार करके उसने ज़ख्मी कर दिया था, वो भी होश में आ गया और उसने पुलिस को अपना बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया है। अगरचे अमजद जो है वो पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उसकी गिरफ्तारी डाली गई है कि वो गिरफ्तार है, लेकिन उसका बयान जो है उसका बयान जो है 161 के तहत रिकॉर्ड किया गया, और उसने ये कहा है कि हमें जो ही कॉल मौसूल हुई तो मैं वहाँ पहुँचा तो वो तो मुलज़म जो है वो वैशी हुआ पड़ा था और वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा था, चुनाचे मैंने खिड़की से दाखिल होने की कोशिश की तो उसने मुझ पर फायर किया और वो फायर ना चल सका, फिर उसने मुझ पर चाकू से हमला किया, फिर मैंने अपने बाकी साथियों को बुलाया तो हमने उसको पकड़ के बांध लिया। तो ये अमजद की सूरत हाल है, लेकिन फाकी दारुल हुकूमत में ये भी बड़ी खबर गर्म है कि एक अहम शख्सियत
جو ہے وہ دونوں خاندانوں کے درمیان جو ہے وہ صلح کے لیے بھی سرگرم ہے. کیونکہ ابھی اس شخصیت کا نام لینا کافی مشکل ہے, چونکہ وہ سیاسی صلح کرانے میں بھی بڑی شہرت رکھتی ہے, ویسے بھی لڑائی جھگڑوں کے معاملات میں بھی صلح کرانے میں بڑی شہرت رکھتی ہے, اور خاص کر جو بھی کیس ایسا بگڑا تگڑا ہوتا ہے تو وہ شخصیت جو ہے وہ صلح کروا ہی دیتی ہے. تو ناظرین جب بھی کچھ چیزیں میچور ہوں گی میں آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ یوٹیوب پہ جو ناظرین ہمارا چینل دیکھتے ہیں وہ اس پہ خفگی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم صلح کی طرف جا رہے ہیں, ہماری طرف سے تو آج اس درندے کا سر قلم کر دیا جائے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ چوک میں اس کو پھانسی دی جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ صلح کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور دونوں خاندانوں کو کافی قریب بھی لایا جا رہا ہے بلکہ لایا بھی جا چکا ہے, تو وہ صورتحال ہمارا کام ہے آپ کو بتانا. تو جو بھی صورتحال ہوگی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. تو وہ جو شخصیت صلح کروانے کے لیے سرگرم ہے اس کے بارے میں بھی بہت جلد آپ کو بالکل کھول کھول کے بتا دیں گے. اور میاں علی اشفاق جو لاہور سے تشریف لائے تھے اس پہ میں آپ کو کام کر کے بتاؤں گا کہ میاں علی اشفاق کا کون سا گروپ ہے, وہ کیا کاروبار کرتے ہیں, اور پھر وہ جو یہاں تشریف لائے تھے وہ کیا کرنے کے لیے انہوں نے درپردہ ان سے کیا بات کی ہے, صلح کے حوالے سے کیا بات کی ہے, اور آگے معاملات کو چلانے کے لیے انہوں نے کیا بات کی ہے. لیکن اندر جو صورتحال ہے وہ وہی ہے کہ باپ بیٹا جو ہیں وہ ہائی سیکورٹی بیرک میں ہیں, جبکہ خاتون جو ہیں وہ خواتین کی بیرک میں ہیں. البتہ یہ اطلاعات ملی ہیں کہ تینوں ملزمان کو جیل کی دال روٹی کھلائی جا رہی ہے, وی آئی پی پروٹوکول مکمل طور پہ ان کا بند ہے, کسی قسم کی وی آئی پی ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی. یہ پہلی ملاقات تھی جو کہ جنگلے کے ذریعے کروائی گئی, اور ان کو باہر سے کھانا جو عام طور پہ جو وی آئی پی حوالاتی ہوتے ہیں باہر سے اپنا کھانا منگواتے ہیں, تو باہر سے ابھی تک ان کو کھانا کھانے کی بھی اجازت نہیں دی گئی. البتہ تھانے میں انہوں نے کافی گلچھرے اڑائے تھے, محترمہ عصمت آدم جی نے بھی, ان کے شوہر ذاکر جعفر نے بھی, اور درندہ صفت انسان ظاہر جعفر نے بھی میکڈونل اور منرل واٹر خوب استعمال کیا تھا, کیونکہ پولیس جو ہے وہ ہر سہولت دینے کے پیسے لیتی ہے. اگرچہ جیلوں میں بھی ایسی صورتحال ہے لیکن اس معاملے میں چونکہ وزیر اعظم کا ذاتی انٹرسٹ ہے اور وزیر اعظم نے فیاض الحسن چوہان کو پابند کیا کہ اس معاملے میں اگر ذرا سی بھی ہینکی پینکی ہوئی تو آپ کی وزارت گئی, تو آپ دیکھتے ہیں کہ آگے آگے معاملہ کیسے بڑھتا ہے. جو ہی میاں اشفاق علی کا اصل کردار جو ہے, میں نے آپ سے وعدہ کیا اگر ہم نے یہ کھوج لگا لیا ہے کہ میاں اشفاق علی لاہور سے آئے تھے اور ملاقات کر کے گئے ہیں, تو یقیناً انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ میاں اشفاق علی کا اصل کردار کیا ہے, ان کا کاروبار کیا ہے, ان کا اس فیملی سے تعلق کیا ہے, اور صرف انہی کو ملاقات کی کیوں اجازت ملی چونکہ اس سے پہلے کسی نے ملاقات نہیں کی ہے. میاں اشفاق علی کی جو ملاقات ہے اس ملزم خاندان کے ساتھ بڑی اہمیت رکھتی ہے, تو انشاءاللہ اگلی سٹوری میں آپ کو بتائیں گے میاں اشفاق علی کیا کردار ہے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے, اللہ حافظ.